Because it seems I'm live. So let's wait for the people to join. I think अभी इतनी सुबह सुबह कौन कौन लाइव आने वाला है. ओके सो फ्यू ऑफ यू आर स्टिल ऑन द इंस्टाग्राम. तो गाइज आप लोगों के लिए एक खबर है, मतलब काफ़ी अमेजिंग सरप्राइज भी है, एक बड़ी अनाउंसमेंट भी है. एंड सबसे पहले मैं एक आपको क्लियर कर देता हूँ, सबको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी देर से कन्फ्यूज़न था कि सर फाइनली क्या हो रहा है, मतलब आर अन अकेडमी में हो नहीं हो क्या है, तो फाइनली आई एम नॉट एसोसिएटेड विद अन अकेडमी. ठीक है, मैं अन अकेडमी छोड़ चुका हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट कैनवस क्लासेस वंस अगेन. तो फिर से स्टार्ट करेंगे उसको. तो कैनवस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं वापस आ रहा हूँ. ठीक है, फिर से स्टार्ट किया है एंड काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें हैं, बिकॉज मैं जिस तरीके से एजुकेशन को सोचता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ करना था, राइट? तो ठीक है, अब आप लोगों से बात भी करेंगे एक बार. वाई यार, देखो वाई के बारे में बात नहीं करते हैं. मेन पॉइंट ये है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द एजुकेशनल सिस्टम इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, जो मुझे लगता था कि सही है उस तरीके से मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ. एंड आई हैव टेकन दिस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मेजर डिसीजन इन माई लाइफ दैट लाइक मूविंग आउट फ्रॉम सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, सच अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. बट ये सारा का सारा जो डिसीजन था, इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय लाइक एनी हिडन एजेंडाज. ठीक है, तो मुझे सिंपल ये था कि यार मैं जिस तरह से एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह से बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. ओके, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन है, बिकॉज नाउ आई एम ऑन माई ओन. अब अकेले सब कुछ करना है, बट मुझे लगता है कि अगर एक मतलब ऑनेस्टी आपके साथ है और सिंसियरिटी है ना, सब कुछ आप अच्छे से करना चाहते हो, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो चीज़ें अच्छी चलती हैं, लोगों का साथ भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, और आप कुछ अच्छा करते भी हो, कुछ डिफरेंट करते भी हो. ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने का ट्रिक कोई बात नहीं, केमिस्ट्री के बारे में, ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, और केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्टे कन्फाइंड टू अ सब्जेक्ट. केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ मैं आप लोगों से, आपके बेसिक मतलब क्या कर रहे हो यार ज़िंदगी में, क्या सोचा है, क्या प्लान कर रहे हो, कहाँ परेशानी आ रही है. ठीक है, तो डिस्कस करेंगे मस्त एकदम उसको, मज़े मज़े में समझेंगे लाइफ को, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस लिए ज़िंदगी में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप मेरे साथ शेयर करना, एंड विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन जहाँ पर हमारी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से टैकल कर पाएँ. ठीक है, यूजिंग एक्सपीरियंसिस ऑफ अदर पीपल. ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, बिकॉज ये डिसीजन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, मेजर भी है, बिकॉज कमिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छे से चलेगी एंड वील हैव अ वेरी वेरी यूनिक विज़न जिसके ऊपर हम काम करेंगे, और उसको आप लोगों की इनपुट्स और फीडबैक के थ्रू रिफाइन भी करेंगे कि यार क्या करना चाहिए आजकल बच्चे को, रियलिटी में क्या चाहिए, क्या उसको पागलों की तरह पढ़ाए जाओ, सुबह से रात तक उसको बैठ के पढ़ाए जाओ, क्या वो ज़रूरी है, क्या उससे उसकी ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएंगे, कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, नहीं ना, मुझे ऐसा नहीं लगता. तो विल टॉक ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल, मैं आपसे इनपुट भी लूँगा एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आपके पेरेंट्स भी अगर थोड़ा सा इनपुट दें इसमें, कुछ फीडबैक दें. ठीक है, सो दैट वी कैन कम अप विद द ब्यूटिफुल अप्रोच टूवर्ड्स कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम क्या इम्पार्ट कर रहे हैं, कैसे नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, कहाँ उसको लेके जाना चाहते हैं, क्या विज़न है हमारा, क्या हम अंधी दौड़ में मतलब चले हुए हैं, है ना, पागलों की तरह मतलब करे जा रहे हैं कोई चीज़ विदाउट एनी विज़न, विदाउट एनी लाइक है ना, एक लंबा प्लान, राइट? ठीक है,
यस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे शुरू हो जाएगी कल, मैं घर पहुंच जाऊंगा तो कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। देखो जो मेरे को आपको पढ़ाना है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, बोर्ड के लिए भी हम चीज़ें कवर करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो मुझे लगता है कि बच्चों को पता भी होना चाहिए और उनके ऊपर आपको अपने ओपिनियंस भी फॉर्म करने चाहिए। ठीक है, ओके चलिए। और एम एक बार मैं सबसे अपोलोजाइज भी कर लेता हूँ, ऑल दोज स्टूडेंट्स जो मेरे इस डिसीजन की वजह से काफ़ी दिन थोड़ा डिस्टर्ब भी हुए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस चल रही थी, क्लासेस भी बीच में काफ़ी डिस्टर्ब हुई, मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब था, काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, तो आई एम रियली रियली फीलिंग वेरी बैड ऑल दिस टाइम। मैं चाहता था कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी से सॉर्ट आउट होके हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, बट थिंग्स टेक टाइम, है ना, चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, समय लगता ही है। तो जिन जिन को यार मतलब प्रॉब्लम हुई है, डेफिनेटली डिस्टर्ब भी हुए हैं, तो आई एम रियली वेरी वेरी लाइक सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू, बट आई विल ट्राई टू मेक इट अप जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट करके एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके ठीक है, चलिए तो सपोर्ट करना भी कैनवस क्लासेस, ठीक है, अब अपना चैनल है, फाइनली अपना है, छोटा सा अभी, बहुत छोटा सा है अभी, फिर से वही होगा कि 10 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे, 30 बढ़ेंगे तो बहुत खुशी होगी, अरे यार ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर से उसी जर्नी को, मतलब ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू रीलिव दोज मोमेंट्स जो आज से 5-6 साल पहले मैंने जब पहला क्लास कैनवस क्लासेस स्टार्ट किया था तब जो एक्सपीरियंसेस हुए थे, ठीक है। तो चलो आपका सपोर्ट रहेगा, आप अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जूनियर सेक्शन के साथ भी मैं कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि उन बच्चों के पास समय भी ज़्यादा होता है, तो अपने करियर को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वो लें और सोच समझ के लें और उसमें मैं कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाऊँ, वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो आप लोग सारे सारे सब्सक्राइब करने वाले हो, शेयर करने वाले हो, मतलब मैं आपसे इतना सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या कि हर एक बच्चा एटलीस्ट 10-15 बच्चों को साथ में जोड़ पाएगा और उनको यार जिनको ज़रूरत है, ठीक है, जो इस जर्नी में एक अच्छे विज़न के साथ काम करें, मुझे सपोर्ट भी करें, मुझे इनपुट भी दें, मुझे फीडबैक भी दें, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट रिमेन अ टीचर कि मैं आपका सिर्फ टीचर ही हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ फ्रेंड, ठीक है, अ मेंटर, ठीक है, एंड एनी सॉर्ट ऑफ यू कैन से गाइड कि जो आपको किसी प्रॉब्लम के टाइम पे हेल्प कर पाने में कैपेबल हो, ठीक है, तो आई विल ऑल्सो वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जो आपको सिखाऊंगा पहले वो खुद सीखूंगा भी, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूंगा, फिर आपको ज्ञान दूंगा, मतलब आपको फालतू का यहाँ वहाँ का फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा यार कि ये कर लो वो कर लो ऐसा वैसा, है ना, फालतू का मोटिवेशन नहीं, जो मेरी ज़िंदगी के रियल एक्सपीरियंसेस हैं या मेरे लाइफ में मैंने कुछ अप्लाई करके सीखा है उसी के ऊपर मैं आपसे बात भी करूंगा, ठीक है। चलिए तो आई होप दिस जर्नी इज गोइंग टू बी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग होने वाली काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, चलिए तो आप लोग यार सपोर्ट करना, एंड अब फिर से अकेले हैं, और अकेले तो नहीं है मतलब सब्जेक्ट में अकेले हैं, बाकी तो आप लोग साथ ही हो, राइट। चैनल नेम इज कैनवस क्लासेस, जस्ट YouTube पे जाइए, अभी छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल, अभी 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, तो कैनवस क्लासेस को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ओके डन। चलिए कल से शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू कर रहे हैं कैनवस क्लासेस, एंड कितने बच्चों को पता है कैनवस की फुल फॉर्म क्या है, चलो बता देता हूं मैं, इट्स क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड नर्चरिंग द विजन ऑफ एक्यूजिटिव स्टूडेंट्स, जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ और नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो अवेयरनेस क्रिएट करना और उनके विजन को नर्चर करने के लिए कैनवस शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं, और होपफुली अगर शाम को हो पाए तो शाम को मिलूंगा, ठीक है, अभी चलिए गाइज, थैंक यू, धन्यवाद, एंड सी यू टुमारो इन द कैनवस क्लासेस, राइट, बाय।